जी तो बच्चों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फिर आप लोगों को याद होगा, मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों के सामने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे, जिसमें एक तो हमने इन फोर कॉम्प्लेक्सेस का जिक्र किया था, कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3 और 4, और इनकी जो डिफरेंट मैकेनिज्म है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स को ये ट्रांसफर करते हैं और कितने प्रोटॉन्स को पंप करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कुछ पॉइंट्स आप लोगों ने जो है वो कंक्लूड किए हैं, कुछ पॉइंट्स जो उनको मैं यहाँ पे एक फिगर की फॉर्म में जो है वो समराइज करूंगी, और उसके बाद हम लोग जो है वो आज के लेक्चर को स्टार्ट करेंगे कि किस तरह से आपका जो एटीपी सिंथेस है वो एटीपी को कंज्यूम करेगा। तो बच्चों, एक चीज जो आपने प्रीवियस लेक्चर से देखी वो ये कि आपका जो कॉम्प्लेक्स 1 है, दिस कॉम्प्लेक्स 1 इज गोइंग टू ऑक्सीडाइज NADH और ये रिड्यूस करेगा क्यूनोन को। ठीक है, तो आपके पास जो NADH है जिसके अंदर एक हाइड्राइड आयन प्रेजेंट होता है, विच मीन्स कि इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिलीज हो रहे हैं, इनके ट्रांसफर का मैकेनिज्म हम यहाँ पे फिगर से थोड़ा सा इलुस्ट्रेट करते हैं कि कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 टू डिफरेंट सोर्सेज से, लाइक कॉम्प्लेक्स 2 के केस में आप कह सकते हैं कि आपके पास जो सोर्स है, दिस सोर्स इज FADH2, तो मैं यहाँ पे इसको FADH2 लिख लेती हूँ। दो डिफरेंट सोर्सेज से ये दोनों कॉम्प्लेक्स सेम इंटरमीडिएट को इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करते हैं। NADH से कॉम्प्लेक्स 1 प्रोवाइड करेगा और FADH2 से कॉम्प्लेक्स 2 प्रोवाइड करेगा यूबीक्विनोन को। और यूबीक्विनोन आप लोगों ने पढ़ा है कि एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है जिसकी लिपोफिलिक नेचर है। इट मींस कि ये जो आपके पास ये जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, इस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, दिस इज इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, दिस इज मैट्रिक्स, ये आपके पास इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, और इस इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के बाहर आपके पास एक और जो है वो लिपिड बायलेयर प्रेजेंट है, जिसको आप क्या कहते हैं, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इस पूरी की पूरी डायग्राम से आप इन पॉइंट्स को जो है वो दोबारा से रिवाइज करवा लें कि आपके पास जो यूबीक्विनोन है, इसमें टू डिफरेंट सोर्सेज यानी NADH और FADH से इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना है, ट्रांसफर करना है यूबीक्विनोन को, और यूबीक्विनोन को रिड्यूस करके उसकी जो फॉर्म है यूबीक्विनोल उसमें कन्वर्ट कर देना है। This ubiquinone will then move toward another complex of electron transport chain, जिसको हम complex 3 कहते हैं। ठीक है, ये आपके पास complex 3 है, और ये complex 3 क्या करता है, ubiquinone से आने वाले electrons को pick करता है और इन electrons को एक ऐसी protein में transfer कर देता है जो कि intermembrane space में present है। Right? इसको अगर membrane को हम थोड़ा सा feed करें तो यहाँ पे आपके पास ये जो portion है, दिस वन, दिस इज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस जो कि इनर और आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के दरमियान प्रेजेंट है। तो यहाँ से आपके इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम सी के पास जाएंगे, और साइटोक्रोम सी अगेन एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है जो कि फाइनली इन इलेक्ट्रॉन्स को लेके कॉम्प्लेक्स 4 की तरफ आएगी। दिस इज कॉम्प्लेक्स 4। ठीक है, तो इस डायग्राम से आपने ये चीज कंक्लूड की कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर की मदद से डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस के पास आते हैं, और आपके मल्टीपल कॉम्प्लेक्सेस ऐसे हैं जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन के दौरान प्रोटॉन्स की पंपिंग भी करते हैं। लाइक अगर यहाँ पे हम लोग प्रोटॉन पंपिंग को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, तो हर एक कॉम्प्लेक्स से जितने प्रोटॉन्स पंप होंगे उसको हम देख लेते हैं। लाइक यहाँ पे जब साइटोक्रोम सी, अब मैं टू साइटोक्रोम सी की बात कर रही हूँ, क्योंकि जब आपके पास एक NADH या FADH2 टू इलेक्ट्रॉन यूबीक्विनोन को ट्रांसफर करेगा, ये यूबीक्विनोन टू इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 3 को देगा, कॉम्प्लेक्स 3 एक इलेक्ट्रॉन एक साइटोक्रोम सी को देगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे साइटोक्रोम सी को देगा, तो फाइनली आपके पास टू साइटोक्रोम सी कॉम्प्लेक्स 4 के पास आएंगे, और कॉम्प्लेक्स 4 इन दो साइटोक्रोम सी को ऑक्सीजन में ट्रांसफर करके हाफ ऑफ ऑक्सीजन को क्या करेगा, रिड्यूस करके वाटर मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो इसके लिए कितने कैरियर यूज होते हैं और किस मैकेनिज्म के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करते हैं, ये हम लोग देख चुके हैं इन फोर कॉम्प्लेक्सेस को डिस्कस करने के बाद। लेकिन एक और पॉइंट जो यहाँ पे मैं हाईलाइट करना चाह रही हूँ, वो पॉइंट ये है कि आपने जब इन कॉम्प्लेक्सेस को पढ़ा था, तो आपने ये चीज ऑब्जर्व की थी कि आपके पास देयर आर सम कॉम्प्लेक्सेस जो कि प्रोटॉन पंपिंग भी करवाते हैं, जिसमें एक आपके पास कॉम्प्लेक्स 1 है जो कि जब NADH से इलेक्ट्रॉन्स को पिक करता है, तो इलेक्ट्रॉन्स को पिक करने के बाद 4 प्रोटॉन्स को माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में भेज देता है। कॉम्प्लेक्स 2 में किसी किस्म की प्रोटॉन पंपिंग की एबिलिटी नहीं है, अगेन आपके पास प्रोटॉन पंप अवेलेबल है कॉम्प्लेक्स 3 में, जो कि दोबारा से 2 इलेक्ट्रॉन
में 4 प्रोटॉन्स को पंप करता है। और कॉम्प्लेक्स 4 की अगर आप बात करते हो तो कॉम्प्लेक्स 4 में आपके जितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ट्रांसफर होंगे उतने ही प्रोटॉन्स पंप होंगे। तो यहाँ पे चूंकि 2 साइटोक्रोम्स हैं विच आर कैरिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो आपके पास यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन की वजह से 2 प्रोटॉन्स पंप होंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। तो अगर हम इस पाथ को यहाँ पे जो है वो ट्रेस करें तो आप ये चीज ऑब्जर्व करेंगे कि जब आपके पास जो है वो NADH ऑक्सीडाइज होगा तो NADH से ऑक्सीजन तक इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफर में, NADH टू ऑक्सीजन तक अगर हम देखें तो NADH टू ऑक्सीजन इस ट्रांसफर रिएक्शन में 10 प्रोटॉन्स पंप हो रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम मैट्रिक्स टू इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और इसी तरह से अगर आप FADH2 की एग्जांपल लेते हो तो FADH2 जब ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन की मैं बात कर रही हूँ सिर्फ यहाँ पे, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन के लिए ये कैलकुलेशन है। तो 2 इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन तक ट्रांसफर करने में ये 6 प्रोटॉन्स को पंप करता है, और कहाँ पे पंप करता है इनको, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। नाउ आपकी ये जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, इस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो गई है। यहाँ पे प्रोटॉन्स की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा हो गई है, एक ग्रेडियंट बन गया है। आपके पास जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है वहां पे प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन कम है, और जो आपके पास यहाँ पे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, इस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो आप लोगों को याद होगा कि लास्ट लेक्चर में मैंने एक पॉइंट रेज किया था कि जब भी आपके पास किसी चीज का ग्रेडियंट बनता है तो ये ग्रेडियंट एक्चुअली वहां पे पोटेंशियल एनर्जी को प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप इस ग्रेडियंट को देखें तो आपके पास इस ग्रेडियंट के फर्दर 2 कंपोनेंट्स हैं। ये ग्रेडियंट 2 वजह से बन गया, एक तो आपके पास कोई खास किस्म की केमिकल स्पीशी यानी प्रोटॉन की कंसंट्रेशन का डिफरेंस है। मैट्रिक्स में आपके पास एन साइड में मैट्रिक्स को कह रही हूँ और पी साइड में इंटर मेम्ब्रेन स्पेस को कह रही हूँ। मैट्रिक्स में आपके पास प्रोटॉन की कंसंट्रेशन कम है जबकि इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन की कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो ग्रेडियंट का एक कंपोनेंट आपके पास एक केमिकल स्पीशी की कंसंट्रेशन के डिफरेंस की वजह से बन गया, जिसको आप क्या कहते हैं, दिस इज डिफरेंस, दिस इज केमिकल पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज दिस पोटेंशियल एनर्जी इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलर केमिकल स्पीशी। और दूसरा कंपोनेंट हमने कहा था कि आपके पास किसी चार्ज की क्वांटिटी के डिफरेंस होने की वजह से हो रहा है, यानी आपके मैट्रिक्स में नेट चार्ज जो है वो नेगेटिव है और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में जो चार्ज है वो पॉजिटिव है। सो देयर इज अ सेकंड कंपोनेंट ऑफ दिस पोटेंशियल एनर्जी विच इज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, और इस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी बन रही है वो एक्चुअली चार्जेस के डिफरेंस की वजह से बन रही है। तो ये जो केमिकल स्पीशी और इलेक्ट्रिकल चार्जेस के डिफरेंस की वजह से पोटेंशियल एनर्जी आपके पास इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में आई है, इस पोटेंशियल एनर्जी को आप कहते हो कि दिस इज प्रोटॉन मोटिव फोर्स, ठीक है। अब ये प्रोटॉन मोटिव फोर्स जो है इसको एक एंजाइम यूज करेगा, और इस एंजाइम को हम एटीपी सिंथेसिस कहते हैं, जो कि इस एनर्जी को यूज करते हुए क्या करेगा, एटीपी की सिंथेसिस करवाएगा। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो इस एंजाइमेटिक कॉम्प्लेक्स के ऊपर है, जिसको हम एटीपी सिंथेस कहते हैं, कि किस मैकेनिज्म के थ्रू ये आपका जो है वो एटीपी प्रोड्यूस करेगा। तो इस कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर से लेके हम इसके जो कैटालिटिक मैकेनिज्म है, इन सब पॉइंट्स को आज के लेक्चर में कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो ये आपके पास जो है ये एटीपी सिंथेस का एक रफ सा स्ट्रक्चर है, जिसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि इसमें कौन सा सब यूनिट जो है वो किस किस्म के केमिकल रिएक्शन में यूज होता है। तो पहले मैं यहाँ से इस फिगर से आप लोगों को ये चीज बताना चाहती हूँ कि इस एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स के फर्दर 2 कंपोनेंट्स हैं। ऐसा कंपोनेंट जो कि मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेड हुआ हुआ है, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपके पास इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है और ये पोर्शन आपके एटीपी सिंथेस का मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेड हुआ हुआ है। सो दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज एफ नॉट सब यूनिट, ठीक है। एफ नॉट सब यूनिट हमेशा आपकी माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर होगा, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। एंड सेकंड कंपोनेंट इज एफ वन सब यूनिट, ये एफ वन सब यूनिट आपके माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रेजेंट होगा। एक चीज जो मैंने बताई, इसके दो कंपोनेंट्स इंट्रोड्यूस किए हैं, इसमें आपके पास ये वाला जो पोर्शन है, ये सारे का सारा पोर्शन आपके पास एफ नॉट सब यूनिट होगा, और जो ये पोर्शन आपको जितना भी यहाँ पे नजर आ रहा है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर, ये एफ वन सब यूनिट होगा, ठीक है। तो अब आपने फर्दर इन दोनों सब यूनिट्स के जो कंपोनेंट्स है उनको एक्सप्लोर करना है। एटीपी सिंथेस के स्ट्रक्चर को देखते हैं और उसके बाद वापस इस स्लाइड पे आके देखेंगे
कि किस तरह से आपके प्रोटॉन्स यहाँ से पास करेंगे और प्रोटॉन्स की जो मूवमेंट है वो अल्टीमेटली एटीपी की सिंथेसिस किस मैकेनिज्म के थ्रू करवाएगी। तो एटीपी सिंथेस का अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर देखें तो एटीपी सिंथेस में बच्चों आपके पास जैसे मैंने अभी दो सब यूनिट बताए हैं एफ नॉट सब यूनिट और उसके बाद एफ वन सब यूनिट। इन दोनों सब यूनिट के फर्दर हम के जो पोर्शन है उनको आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बाद हम लोग इसके मैकेनिज्म की तरफ मूव करते हैं। ये आपके पास स्ट्रक्चर है एटीपी सिंथेस का और इस एटीपी सिंथेस में आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये वाला जो पोर्शन है आपके पास दिस वन जो कि मेम्ब्रेन बाउंड पोर्शन है दिस इज एफ नॉट सब यूनिट और ये जो पोर्शन आपके पास मैट्रिक्स वाली साइड में है दिस पोर्शन इज एफ वन सब यूनिट। एस नॉट सब यूनिट में आपके पास फर्दर टू पोर्शन हैं, इसमें आपके पास एक ए सब यूनिट है और एक सी रिंग है। इसे सी रिंग इसलिए कहते हैं बिकॉज ये जो सेकंड कंपोनेंट है आपके पास ये वाला कंपोनेंट इस कंपोनेंट को कहते हैं सी सब यूनिट। सी सब यूनिट की आपके पास मल्टीपल जो है वो आप कह लें कि नंबर्स प्रेजेंट होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। लाइक आप अगर यहाँ पे यीस्ट के माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हो तो यीस्ट के माइटोकॉन्ड्रिया में आपका जो एफ नॉट सब यूनिट है उसमें एक ए सब यूनिट होगा और उसमें 10 सी सब यूनिट होंगे जो कि इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 ये 10 सब यूनिट्स हैं ये इस तरह से प्रेजेंट होंगे सी रिंग की फॉर्म में। ठीक है तो एफ नॉट में आपके पास फर्दर एक ए सब यूनिट है और एक आपके पास सी रिंग प्रेजेंट है। सी रिंग इसे इसलिए कहते हैं बिकॉज इसमें मल्टीपल सी सब यूनिट एक रिंग की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ए पोर्शन आपके पास एक्चुअली वो पोर्शन है जिसके अंदर प्रोटॉन चैनल प्रेजेंट है। इसमें क्या चीज अवेलेबल है प्रोटॉन चैनल और सी रिंग आपके एटीपी सिंथेस को रोटेट करवाने के लिए यूज होती है। ये एटीपी सिंथेस को क्या करेंगी रोटेट करेंगी। तो दोबारा से आप इसके एफ नॉट सब यूनिट को देख लें कि एफ नॉट सब यूनिट आपके एटीपी सिंथेस का वो पोर्शन है जो कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर इम्बेड हुआ हुआ है और इस कंपोनेंट के फर्दर टू पोर्शन हैं। ए पोर्शन में प्रोटॉन चैनल है इसका मतलब है कि प्रोटॉन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस ये आपके पास इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है ना इसको अगर मैं इस तरह से शो करूं तो आप यहां पे इसको नॉर्मली ऐसे ऑब्जर्व करते हो कि ये आपके पास एफ नॉट सब यूनिट है और ये जो माइटोकॉन्ड्रियल साइट है इसमें आपके पास ये एफ वन सब यूनिट प्रेजेंट है। ठीक है तो ये आपके पास जो पोर्शन है यहाँ पे ये एक ऐसा पोर्शन है ए रिंग जिसमें प्रोटॉन का चैनल प्रेजेंट है। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में जितने प्रोटॉन्स पड़े हुए हैं वो इस चैनल को यूज करते हुए माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में वापस आएंगे। तो ये वो पोर्शन है ए पोर्शन जहां से प्रोटॉन्स ने मूव करना है वापस मैट्रिक्स में आना है और ये वो पोर्शन है जिसमें इस एंजाइम को रोटेट करवाना है। दिस इज सी रिंग पोर्शन। तो एफ नॉट सब यूनिट के दोनों कंपोनेंट्स आपने देख लिए। दूसरी तरफ हम मूव करते हैं टुवर्ड एफ वन कंपोनेंट और एफ वन कंपोनेंट में देखते हैं कि टोटल कितने फर्दर जो है वो सब यूनिट आते हैं। एफ वन पोर्शन के अंदर आपके टोटल 9 सब यूनिट आते हैं। इसमें आपके पास जो है वो एक इसकी अगर आप कंपोजिशन देखो इसमें आपके पास जो है वो अल्फा सब यूनिट होंगे 3 अल्फा सब यूनिट होते हैं 1, 2, 3 3 बीटा सब यूनिट होते हैं 1, 2, 3 एक आपके पास ये एप्सिलॉन सब यूनिट होगा एक ये सॉरी गैमा सब यूनिट एप्सिलॉन सब यूनिट एंड सिग्मा गैमा सब यूनिट एप्सिलॉन एंड सिग्मा सब यूनिट ये 3 आपके पास जो है वो एडिशनल। तो टोटल आपके पास जो एफ वन पोर्शन है इसमें 9 सब यूनिट प्रेजेंट होते हैं जिसमें 3 अल्फा सब यूनिट्स हैं 3 बीटा सब यूनिट्स हैं 1 गैमा है 1 एप्सिलॉन है और 1 सिग्मा सब यूनिट प्रेजेंट है। और ये जो बी पोर्शन है दिस बी पोर्शन इज एक्चुअली अ कनेक्शन बिटवीन एफ वन एंड एफ नॉट। ठीक है एफ नॉट और एफ वन के दरमियान जो कनेक्शन है वो इस बी पोर्शन की वजह से। तो ये पूरे का पूरा आपके पास जो है वो एटीपी सिंथेस के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जो कि मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए हैं। अब इन कंपोनेंट्स में से मैंने आप लोगों को एक चीज अभी बताई है कि एफ नॉट पोर्शन के अंदर या एफ वन जो पार्ट है इसमें एक सब यूनिट है ए सब यूनिट जिसमें प्रोटॉन चैनल प्रेजेंट है और दूसरी तरफ आपके पास जो एफ वन कंपोनेंट है इस एफ वन कंपोनेंट का ये जो बीटा सब यूनिट है
इस बीटा सब यूनिट के पास ये एबिलिटी है कि ये एटीपी की प्रोडक्शन करवाता है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि आपके पास जो एटीपी सिंथेस है, इस एटीपी सिंथेस का अगर आप स्ट्रक्चर एनालाइज करो तो ये आपके पास माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है, और यहाँ पे ये वो पोर्शन है जहां से प्रोटॉन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से निकल के जहां पे प्रोटॉन का ग्रेडियंट बना हुआ है, ठीक है। ये वो जगह है जहां से प्रोटॉन्स ने इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से निकल के माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आना है वापस, और इस प्रोसेस के दौरान आपके जो बीटा सब यूनिट्स हैं ये एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के दरमियान कंडेंसेशन करवा के इसको किसमें कन्वर्ट करेंगे, एटीपी के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो ये एक ओवरऑल जो जनरल सा एक पॉइंट है ये आपने माइंड में रखना है कि ड्यूरिंग द एटीपी सिंथेसिस आपके एफ नॉट पोर्शन के अंदर प्रोटॉन चैनल से प्रोटॉन्स मूव करेंगे, प्रोटॉन्स की मूवमेंट की वजह से एटीपी सिंथेस में रोटेशन होगी, ठीक है। एटीपी सिंथेस रोटेट करेगा और रोटेशन की वजह से आपके जो बीटा सब यूनिट्स हैं ये एटीपी को प्रोड्यूस करेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि एटीपी की प्रोडक्शन रोटेशनल कैटालिसिस के थ्रू क्यों होती है, ये रोटेशन जरूरी क्यों है। प्रोटॉन की मूवमेंट तो चलो समझ में आती है कि प्रोटॉन की मूवमेंट की वजह से एनर्जी रिलीज होगी, लेकिन एटीपी सिंथेस यहाँ पे रोटेट क्यों कर रहा है, रोटेशनल कैटालिसिस इसे क्यों कहा जाता है। तो इस चीज को समझने के लिए आप लोग जो है वो एटीपी सिंथेस के जो डिफरेंट सब यूनिट है, इसका जो बीटा सब यूनिट है इसकी डिफरेंट कंफर्मेशन को देख लो, और उसके बाद मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि किस तरह से ये जो मूवमेंट ऑफ बीटा सब यूनिट है ये एटीपी प्रोडक्शन में हेल्प करती है। तो बच्चों मैं इस पॉइंट को रिलेट करूंगी दोबारा से यहाँ पे एक जनरल सी डायग्राम ड्रॉ करने के बाद, और उसके बाद मैं इसका जो पोर्शन है विच इज बीटा सब यूनिट इसको थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करूंगी, और उसके बाद हम लोग मूव करेंगे टुवर्ड एटीपी प्रोडक्शन बाय दिस एंजाइम। अब आप लोगों को इसके डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं उनका आइडिया हो गया कि ये जो मैं यहाँ पे मैट्रिक्स वाले साइड के अंदर कंपोनेंट ड्रॉ कर रही हूँ दिस इज एफ वन पोर्शन, जिसमें आपके पास ये एप्सिलॉन पोर्शन है, दिस इज गैमा पोर्शन, यहाँ पे आपके पास अल्फा है, बीटा है, अगेन अल्फा है, इसके पीछे आपके पास तीन मजीद कंपोनेंट्स हैं, इसमें आपके पास यहाँ पे बीटा होगा, अगेन अल्फा होगा और फिर बीटा, ठीक है। ये आपके पास सी रिंग्स हैं जो कि मल्टीपल नंबर्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं, और ये सी रिंग्स रोटेट कर सकती है। ये आपके पास ए पोर्शन है जहाँ से प्रोटॉन्स मूव करते हुए मैट्रिक्स में आते हैं, इधर आपके पास एक जो है वो सिग्मा सब यूनिट है, और आपका जो एटीपी सिंथेस का ए सब यूनिट है या एफ नॉट पोर्शन एफ वन पोर्शन के साथ कनेक्ट होता है विद द हेल्प ऑफ अ बी सब यूनिट। अब अगर आप यहाँ पे जो बीटा सब यूनिट है, इस बीटा सब यूनिट की मैंने एग्जांपल दी थी कि इसके अंदर ऐसी एबिलिटी है कि ये एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के दरमियान रिएक्शन करवा के उसे किसमें कन्वर्ट कर सकता है, एटीपी में कन्वर्ट कर सकता है, और आपका जो प्रोटॉन चैनल है वो ए के अंदर प्रेजेंट है, ए कंटेन्स अ प्रोटॉन चैनल, और प्रोटॉन चैनल की वजह से क्या चीज होती है, रोटेशन। बच्चों जो आपका बीटा सब यूनिट है ना यहाँ पे आप देख रहे हैं एट अ टाइम बीटा सब यूनिट जो है वो एक स्पेसिफिक कंफर्मेशन के अंदर प्रेजेंट होता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एटीपी सिंथेस के अंदर आपके टोटल कितने बीटा सब यूनिट है, थ्री बीटा सब यूनिट। तो हर एक बीटा सब यूनिट एक खास किस्म की कंफर्मेशन के अंदर प्रेजेंट होता है। तो वी हैव थ्री डिफरेंट कंफर्मेशन ऑफ बीटा सब यूनिट। पहली कंफर्मेशन आपके पास ओपन कंफर्मेशन है जिसको आप ओ कंफर्मेशन भी कहते हो, और ये वो कंफर्मेशन है जिसमें आपका जो बीटा सब यूनिट है ये प्रेफर करता है कि ये किसी भी न्यूक्लियोटाइड के साथ अटैच ना हो, इसको हम कहते हैं दिस इज एम्प्टी कंफर्मेशन। ओपन कंफर्मेशन इज एक्चुअली एम्प्टी कंफर्मेशन, यानी इस केस में जब आपका कोई बीटा सब यूनिट अगर ओपन कंफर्मेशन के अंदर प्रेजेंट है तो उसके साथ किसी भी किस्म का ना तो एटीपी अटैच होगा ना ही उसके साथ एडीपी अटैच होगा, किसी भी किस्म का न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट उसके साथ अटैच नहीं होगा जब आपका बीटा सब यूनिट अपनी ओपन कंफर्मेशन के अंदर प्रेजेंट होगा। सेकेंड कंफर्मेशन इज लूज कंफर्मेशन। लूज कंफर्मेशन को हम एल से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और ये एक ऐसी कंफर्मेशन है जो कि बाइंड करती है एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ, यानी हर एक कंफर्मेशन की एक खास किस्म के न्यूक्लियोटाइड के लिए स्पेसिफिसिटी है, उसके लिए एफिनिटी है।
अगर आपका बीटा सब यूनिट लाइक दो आपके जो तीन बीटा सब यूनिट है उनमें से कोई एक बीटा सब यूनिट अगर ओपन कंफर्मेशन के अंदर प्रेजेंट है तो इसका मतलब है कि उसके साथ ना तो एटीपी अटैच है ना ही एडीपी अटैच है, वो किसी भी न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट को अटैच नहीं करेगी। अगर आपका जो बीटा सब यूनिट है वो लूज कंफर्मेशन के अंदर प्रेजेंट है तो इट मीन्स इट हैज अफिनिटी कि ये एडीपी के साथ बाइंड कर सकती है और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ बाइंड कर सकती है। और अगर आपका कोई बीटा सब यूनिट टाइट कंफर्मेशन के अंदर प्रेजेंट है, इस कंफर्मेशन को हम टी कंफर्मेशन कहते हैं, तो ये एक ऐसी कंफर्मेशन है जिसमें आपका एंजाइम प्रेफर करता है कि वो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को कंबाइन करके एटीपी में कन्वर्ट कर दे, ठीक है, बिकॉज दिस कंफर्मेशन हैज द एबिलिटी फॉर न्यूक्लियोटाइड ट्राई फॉस्फेट। तो आपके यहाँ पे जो एफ वन पोर्शन है इसमें प्रेजेंट तीनों बीटा सब यूनिट एट अ टाइम इन तीनों में से किसी एक कंफर्मेशन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि दो बीटा सब यूनिट ओपन कंफर्मेशन में होंगे और एक लूज कंफर्मेशन में होगा, बल्कि ये कंफर्मेशन अल्टरनेटिव होते हैं। तीनों में से कोई एक बीटा सब यूनिट हमेशा ओपन कंफर्मेशन में होगा, एक लूज कंफर्मेशन में होगा और एक टाइट कंफर्मेशन में होगा, और ये कंफर्मेशन आपकी जो है वो बीटा सब यूनिट में चेंज होती जाती है। और इनको चेंज करने वाली जो फैक्टर है वो क्या है, रोटेशन, ठीक है। तो अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को पॉइंट बताया है कि प्रोटॉन जब इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में मूव करते हैं तो प्रोटॉन्स की मूवमेंट की वजह से आपका एटीपी सिंथेस का ये जो पोर्शन है ये एक तरह का आप समझिए कि मॉलिक्यूलर शेफ्ट है जो कि इस पोर्शन को रोटेट करेगा। ये रोटेशन की वजह से होगा क्या कि आपके जो बीटा सब यूनिट्स हैं ये बीटा सब यूनिट्स अपनी कंफर्मेशन को चेंज करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये चीज याद रखनी है कि पहला मैकेनिज्म क्या है, पंपिंग ऑफ प्रोटॉन, मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम इंटरमेम्ब्रेन स्पेस टू मैट्रिक्स। इस मूवमेंट की वजह से आपके पास क्या होती है, रोटेशन, और रोटेशन की वजह से आपके एटीपी सिंथेस के जो बीटा सब यूनिट्स हैं वो अपनी कंफर्मेशन को चेंज करते हैं, और हर एक कंफर्मेशन की एक खास किस्म के न्यूक्लियोटाइड के लिए एफिनिटी होती है। सो लेट्स सी कि टोटल कितनी कंफर्मेशन है बीटा सब यूनिट की, और जब आपके पास यहाँ पे एटीपी सिंथेस जो है ये रोटेट करता है तो कंफर्मेशन किस तरह से चेंज होती है। इसके लिए बच्चों आप इस डायग्राम को कंसीडर करें और यहाँ पे आप फर्स्ट ऑफ ऑल इस पोर्शन को ऑब्जर्व करोगे, ये वाला पोर्शन। इसमें आप देख सकते हो कि आपके पास ये जो सब यूनिट है इसमें आपके पास थ्री अल्फा सब यूनिट्स हैं, वन टू थ्री, और थ्री बीटा सब यूनिट्स हैं। अल्फा और बीटा सब यूनिट्स हैं वो इसी तरह से अपनी कंफर्मेशन को चेंज कर सकते हैं। मैंने आप लोगों के सामने जो है वो अल्फा बीटा सब यूनिट की सिर्फ बात की थी, बट अल्फा सब यूनिट उसके साथ चूंकि क्लोज प्रॉक्सिमिटी में प्रेजेंट होता है, इसका मतलब है कि जिस तरह का कंफर्मेशनल चेंज बीटा में आएगा उसी तरह का चेंज अल्फा में भी आएगा, लेकिन अल्फा सब यूनिट एटीपी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता। तो मैं यहाँ से आपका जो मैकेनिज्म है कैटालिसिस का मैकेनिज्म, जिसको हम रोटेशनल कैटालिसिस भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप ये चीज पढ़ेंगे कि एक्चुअली रोटेशन ऑफ एटीपी सिंथेस की वजह से आपकी ये सब यूनिट अपनी कंफर्मेशन को चेंज करेंगे और उसकी वजह से एटीपी बनेगा, ठीक है। तो एटीपी प्रोडक्शन को समटाइम हम रोटेशनल कैटालिसिस भी कहते हैं। सपोज जब आपने इस एंजाइम को पढ़ना शुरू किया तो इस एंजाइम में आपका जो एक सब यूनिट था जो एल कंफर्मेशन के अंदर प्रेजेंट था, जिसको यहाँ पे रेड कलर में और इस शेप में जो है वो दिखाया गया, दूसरी आपके पास कंफर्मेशन शेप चेंज करके दिखाई गई है। बिकॉज आप लोगों को याद होगा कि कंफर्मेशन का वर्ड मैंने आप लोगों को कहा था कि ये कंफर्मेशन हमेशा रेफर करता है शेप को, ठीक है। तो आपके पास जो तीन अल्फा बीटा डाइमर्स हैं, अल्फा बीटा सब यूनिट, उनमें से एक अल्फा बीटा सब यूनिट लूज कंफर्मेशन में है। लूज कंफर्मेशन आपको पता है ऐसी कंफर्मेशन होती है जो कि एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के लिए एफिनिटी रखती है। सो यू कैन सी हियर कि आपके पास यहाँ पे इस केस में बीटा सब यूनिट के साथ एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अटैच होगा। सेकेंड कंफर्मेशन इज ओपन कंफर्मेशन। ओपन कंफर्मेशन ऐसी कंफर्मेशन होती है विच इज एम्प्टी कंफर्मेशन। इट मीन्स इसमें आपका जो बीटा सब यूनिट है ये किसी भी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट के साथ अटैच नहीं होगा, बल्कि इसकी जो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग साइट है वो एम्प्टी होगी। और जो थर्ड कंफर्मेशन है आपके पास वो टाइट कंफर्मेशन है। टाइट कंफर्मेशन का मतलब है कि ये वो कंफर्मेशन है जिसमें आपके पास जो बीटा सब यूनिट है दिस बीटा सब यूनिट हैज अ बाउंड एटीपी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल। अब सपोज इस मोमेंट में आपका जो एटीपी सिंथेस एंजाइम है
एटीपी सिंथेस के स्ट्रक्चर को भी यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को जो है वो साथ साथ इस चीज का भी आइडिया हो जाए कि एक्चुअली ये मूवमेंट कहाँ से हो रही है और ये रोटेशन किस तरह से कॉज करवाती है। ठीक है, सपोज इस टाइम आप इस अल्फा बीटा डाइमर को देख रहे हो, जो कि अपनी कौन सी कंफर्मेशन के अंदर प्रेजेंट है, लूज कंफर्मेशन के अंदर प्रेजेंट है। जैसे ही आपके इस एटीपी सिंथेस ने इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में कुछ प्रोटॉन्स को पंप कराना है, सपोज 3 प्रोटॉन्स को ये पंप कराता है फ्रॉम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस टू माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, तो 3 प्रोटॉन्स की पंपिंग की वजह से आपकी ये जो सी रिंग है ये रोटेट होगी। सी रिंग की रोटेशन की वजह से आपका ये जो गैमा सब यूनिट है ये भी रोटेट होगा। जैसे यहाँ पे ये वाला जो ग्रीन कलर का एरो है ये गैमा सब यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो वाला बीटा सब यूनिट जिसकी तरफ ये गैमा सब यूनिट की ये नीडल या पॉइंटर आएगा, इसको हम कहते हैं गैमा शेफ्ट। ठीक है, जिस बीटा सब यूनिट को ये गैमा शेफ्ट जो है ये पॉइंट करेगी, जिसकी तरफ ये रोटेट करेगी, ये उसको फोर्स करेगी कि ये अपनी कंफर्मेशन को चेंज करके ओपन कंफर्मेशन में आ जाए। और जब ये बीटा सब यूनिट अपनी कंफर्मेशन को चेंज करेगा तो इसका मतलब है उसके आगे और पीछे वाले बीटा सब यूनिट की कंफर्मेशन भी चेंज होगी। तो सपोज आपके पास जब एटीपी संकेत से उसके प्रोटॉन चैनल से प्रोटॉन पंप किए, तो प्रोटॉन पंपिंग की वजह से आपके जो एटीपी संकेत है उसमें रोटेशन हुई, रोटेशन की वजह से आपका ये जो बीटा सब यूनिट प्रीवियसली आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये बीटा सब यूनिट सी कंफर्मेशन में था, ये एल कंफर्मेशन में था और ये ओ कंफर्मेशन में था, लेकिन रोटेशन की वजह से आपका ये जो गैमा शेफ्ट है ये मूव कर गया, इसमें 120 डिग्री का शिफ्ट आया। तो 120 डिग्री के शिफ्ट की वजह से आप देख सकते हो कि ये जो गैमा शेफ्ट है इसने इस बीटा सब यूनिट की बजाय अब अपनी जो पॉइंटर है उसको इस बीटा सब यूनिट की तरफ कर दिया। इसकी वजह से क्या होगा कि ये बीटा सब यूनिट जो कि प्रीवियसली टी या टाइट कंफर्मेशन के अंदर प्रेजेंट था ये एटीपी को रिलीज करेगा और ओ कंफर्मेशन को अडॉप्ट कर देगा। बिकॉज मैंने अभी बताया कि जिस बीटा सब यूनिट की तरफ आपके गैमा शेफ्ट की नीडल आएगी वो उसको फोर्स करता है कि वो एम्प्टी कंफर्मेशन में चला जाए। ठीक है, तो ये एटीपी को रिलीज करेगा, इसके आगे वाला जो सब यूनिट जो कि प्रीवियसली एल कंफर्मेशन के अंदर प्रेजेंट था उसमें भी कंफर्मेशन चेंज आएगा और वो अपनी एल से कौन सी कंफर्मेशन में चला जाएगा, पी कंफर्मेशन। यानी आप ये देख सकते हो कि जो गैमा शेफ्ट है वो अपने साथ इस कंफर्मेशन को भी साथ साथ लेके चल रहा है, यानी प्रीवियसली ये ओ में था, ये टी कंफर्मेशन में था, ये एल में था, तो अब आपके पास यहाँ पे कंफर्मेशन भी चेंज हो जाएगी। ये सब यूनिट ओ कंफर्मेशन में चला जाएगा, ये सब यूनिट टी कंफर्मेशन में चला जाएगा और ये सब यूनिट एल कंफर्मेशन में चला जाएगा। सो यू कैन सी हियर कि आपकी उन शेप्स को भी चेंज करके दिखाया जा रहा है। यहाँ पे आपकी ये वाली जो कंफर्मेशन है अब ये ओ बन जाएगी जो कि प्रीवियसली टी थी, ये कंफर्मेशन जो कि प्रीवियसली एल थी ये टी कंफर्मेशन बन जाएगी, और इस केस में आपकी जो प्रीवियस कंफर्मेशन ओ थी वो क्या बन जाएगी, एल कंफर्मेशन। यानी आपके पास यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका जो F1 सब यूनिट है उसके ये कंपोनेंट्स क्या करेंगे, अपनी कंफर्मेशन को रोटेट करेंगे। जैसे ही 3 प्रोटॉन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में मूव करेंगे आपके अल्फा बीटा सब यूनिट के अंदर एक एक कंफर्मेशन का चेंज आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर आप दोबारा ऑब्जर्व करो तो दोबारा जब 3 प्रोटॉन्स इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में मूव करेंगे तो अगेन कंफर्मेशन चेंज होगी, आपका ये वाला पोर्शन जो कि प्रीवियसली यहाँ पे प्रेजेंट था एल कंफर्मेशन के अंदर अब दोबारा से कंफर्मेशनल चेंजेस होंगी, क्योंकि आपका गैमा शेफ्ट प्रीवियसली यहाँ पे था, 3 प्रोटॉन्स की मूवमेंट के बाद वो रोटेट करके इस ओरिएंटेशन में आ गया, ये कंफर्मेशन आपकी ओ कंफर्मेशन हो जाएगी। ओ के बिल्कुल एडजेसेंट आपके पास ई कंफर्मेशन होती है, उसका जो प्रीवियस कंफर्मेशन है दिस इज एल कंफर्मेशन। सो अगेन आपके पास जो सब यूनिट प्रीवियसली टी कंफर्मेशन के अंदर था वो ओ में कन्वर्ट हो जाएगा, जो सब यूनिट ओ कंफर्मेशन में था वो एल में कन्वर्ट हो जाएगा और जो एल कंफर्मेशन में था वो टी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ड्यूरिंग द रोटेशनल कैटालिसिस आपके जब प्रोटॉन मूव करते हैं इंटर मेम्ब्रेन प्रोटॉन की मूवमेंट की वजह से एटीपी सिंथेस में रोटेशन होती है, रोटेशन की वजह से आपके जो बीटा सब यूनिट्स हैं वो अपनी कंफर्मेशन को चेंज करते हैं और इन कंफर्मेशनल चेंजेस की वजह से आपके जो एटीपीज हैं उनकी प्रोडक्शन होती है। लाइक आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब आपके पास स्टार्टिंग में ये बीटा सब यूनिट जब आपने रिएक्शन स्टार्ट किया था
तो इसके साथ एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्रेजेंट था। लेकिन थ्री प्रोटॉन्स की मूवमेंट के बाद जब ये इंटरमीडिएट स्टेज से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में मूव हुए तो आपके इस बीटा सब यूनिट की कंफर्मेशन चेंज हो गई, और एल से ये कौन सी कंफर्मेशन में चला गया, पी कंफर्मेशन में चला गया। पी कंफर्मेशन हैज एन एफिनिटी फॉर द न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। तो कंफर्मेशन के चेंज होने की वजह से पहले यहाँ पे जो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अटैच थे ये उनके दरमियान बॉन्ड बना के उसे किसमें कन्वर्ट कर देता है, एटीपी में कन्वर्ट कर देता है। तो अगर कंफर्मेशन चेंजेस ना होते तो इसका मतलब है कि एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के दरमियान बॉन्ड नहीं बनता और एटीपी की प्रोडक्शन नहीं होगी। एटीपी की प्रोडक्शन तो होगी, इस एटीपी ने बस इस बीटा सबयूनिट से रिलीज होना था जब तक मजीद एक कन्फर्मेशनल चेंज ना होता। तो ये जो कन्फर्मेशनल चेंजेस अल्फा बीटा सबयूनिट के अंदर हो रहे हैं ये एटीपी की प्रोडक्शन और एटीपी की जो रिलीज है उसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो वी कैन से कि फॉर वन एटीपी प्रोडक्शन, एक एटीपी को प्रोड्यूस करवाने के लिए थ्री प्रोटॉन्स की मूवमेंट जरूरी है फ्रॉम पी साइड टू एन साइड। और अगर आप एक कंप्लीट राउंड ऑफ रोटेशन की बात करते हो यानी 360 डिग्री की रोटेशन की बात करते हो तो एक 360 डिग्री की रोटेशन का मतलब है कि आपका जो एटीपी सिंथेसिस है वो थ्री टाइम्स उसके अंदर कन्फर्मेशनल चेंजेस आएंगे। तो 360 डिग्री पर रोटेट करने के लिए थ्री कन्फर्मेशनल चेंजेस लाने के लिए नाइन प्रोटॉन्स को इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आएंगे और इन नाइन प्रोटॉन्स की वजह से आपके कितने एटीपीज बनेंगे, थ्री एटीपीज बनेंगे। ओके बच्चों, अभी तक जो पॉइंट्स हैं उसमें मैंने ये चीज एक्सप्लेन की है कि आपके एक एटीपी को बनाने के लिए लाइक यहाँ पे आप देखते हैं कि एक एटीपी की प्रोडक्शन के लिए आपके जो थ्री प्रोटॉन्स हैं ये इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में मूव करते हैं। जबकि मैं यहाँ पे एक पॉइंट आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर रही हूँ और वो ये है कि एक एटीपी की प्रोडक्शन के लिए थ्री नहीं बल्कि फोर प्रोटॉन्स रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, तो ये जो एडिशनल प्रोटॉन मैंने यहाँ पे लिखा है थ्री का, तो मुझे समझ में आ रहा है कि थ्री प्रोटॉन, इनमें से थ्री प्रोटॉन रोटेशनल कैटालिसिस के थ्रू एटीपी प्रोडक्शन करवाएंगे। ठीक है, ये रोटेशनल कैटालिसिस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, ये बीटा सबयूनिट के अंदर कन्फर्मेशनल चेंजेस लेके आ रहे होते हैं। तो जो बाकी एक एडिशनल प्रोटॉन मैंने यहाँ पे लिखा है उस प्रोटॉन का क्या पर्पज है, तो लेट्स सी कि ये एडिशनल प्रोटॉन मैंने यहाँ पे मेंशन क्यों किया है। ये प्रोटॉन एक्चुअली एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की मूवमेंट के लिए यूज होता है। आपको पता है कि अगर आपके माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एटीपी सिंथेस में बनाना है एटीपी को, ये आपके पास माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर फॉर एग्जाम्पल दिस इज एफ नॉट पोर्शन, दिस इज एफ वन कम्पोनेंट, F1 कंपोनेंट में अगर ATP की प्रोडक्शन करनी है तो इसका मतलब है कि इसको ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की भी जरूरत है। ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अगर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में अवेलेबल नहीं होंगे तो चाहे जितनी मर्जी एनर्जी हो आपके पास ATP की प्रोडक्शन नहीं होगी। तो जो एक एडिशनल प्रोटॉन मैंने यहाँ पे लिखा है ये एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखता है। तो लेट्स सी कि ये एंजाइम जो है ये जो प्रोटॉन है ये किस ट्रांसपोर्टर के थ्रू जो है वो एटीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की कंसंट्रेशन को माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में मेंटेन रखेगा। सो यू कैन सी हियर कि इन ऑर्डर टू मेंटेन द लोकल कंसंट्रेशन ऑफ एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, आपकी जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है उसमें दो तरह के ट्रांसपोर्टर्स प्रेजेंट होते हैं। लाइक ये आपके पास एटीपी सिंथेस है जिसमें ये एफ नॉट पोर्शन है, ये एफ वन पोर्शन है, और एफ वन पोर्शन का पर्पज क्या है कि इसमें एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के दरमियान, दिस इज इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इन दोनों के दरमियान कंडेंसेशन करवा के एक एटीपी मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस करना है। और कंडेंसेशन के लिए प्रोटॉन पंपिंग जरूरी है, यानी ये प्रोटॉन की प्रेजेंस में प्रोटॉन की पंपिंग से रिलीज होने वाली एनर्जी को यूज करता है और उस एनर्जी को यूज करते हुए एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की कंडेंसेशन करा के इसको किसमें कन्वर्ट कर देता है, एटीपी के अंदर कन्वर्ट कर देता है। नाउ ये एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आते कहाँ से हैं, इनकी कंसंट्रेशन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर मेंटेन अगर रखनी हो तो उसके लिए दो ट्रांसपोर्टर्स रिक्वायर्ड हैं। वेरी फर्स्ट ट्रांसपोर्टर इज एडीपी, एटीपी एंड एडीपी ट्रांसलुकेज। ठीक है, जिसको आप एडीनिन न्यूक्लियोटाइड ट्रांसलुकेज भी कहते हैं। ये आपके पास एक एंटीपोर्टर है। एंटीपोर्टर एक ऐसा ट्रांसपोर्टर होता है जो कि किसी चीज को जब इनवर्ड मूव कराता है तो उसके रिस्पांस में किसी एक स्पीशी को आउटवर्ड भी मूव कराता है।
इस केस में आपके पास दो स्पीशीज साइमल्टेनियसली मूव कर रही होती है लेकिन उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। तो अगर ये किसी स्पीशी को माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में लेके आ रहा है तो इन रिटर्न किसी दूसरी स्पीशी को इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में रिलीज भी करेगा। तो ये एक ऐसा ट्रांसलोकेज एंजाइम है जो कि एडीपी को माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर लेके आता है और जो एटीपी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में बन रहे हैं उसको उठा के इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में भेज देता है ताकि यहाँ से ये रिलीज हो और बाकी सेल के जितने भी पोर्शन को एनर्जी की जरूरत है वो उसको यूज कर सके। ठीक है, तो एडिनिन न्यूक्लियोटाइड ट्रांसलोकेज एक ऐसा एंटीपोर्टर है जो कि एडीपी को माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर लेके आएगा और एडीपी को लाने के लिए एटीपी को बाहर लेके जाएगा। ठीक है, तो इस केस में किसी किस्म के प्रोटॉन्स इन्वॉल्व नहीं है। जबकि सेकंड आप देख रहे हैं कि आपके पास जो सेकंड ट्रांसलोकेज है दिस इज फॉस्फेट ट्रांसलोकेज और ये एक सिंकपोर्टर है। सिंकपोर्टर का मतलब होता है एक ऐसा ट्रांसपोर्टर जो कि दो मॉलिक्यूल्स की या दो कंपोनेंट्स की सेम डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट कराता है साइमल्टेनियसली। ठीक है, एंटीपोर्टर में ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है लेकिन सिंकपोर्टर में एक ही डायरेक्शन में होती है। तो यहाँ पे जो आपका सिंकपोर्टर है ये फॉस्फेट को अकेले ट्रांसफर नहीं कराता बल्कि फॉस्फेट को ट्रांसफर कराने के लिए इसे प्रोटॉन की भी जरूरत होती है। यानी ये एक ऐसा ट्रांसलोकेज है, एक ऐसा ट्रांसपोर्टर है जिसमें फॉस्फेट या इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की जो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस पर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में मूवमेंट है दिस मूवमेंट इज कपल्ड विद द मूवमेंट ऑफ अ प्रोटॉन फ्रॉम इंटरमेम्ब्रेन स्पेस टू माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो आप कह सकते हैं कि आपके एक एटीपी को बनाने के लिए क्योंकि हमें एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी रिक्वायर्ड है तो इन एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में लाने के लिए एक प्रोटॉन यूज होगा और बाकी जो थ्री प्रोटॉन्स मैंने आप लोगों को बताए हैं वो रोटेशनल कैटालिसिस के थ्रू कन्फर्मेशनल चेंजेस लेके आएंगे। तो कलेक्टिवली आपके एक एटीपी की प्रोडक्शन के लिए टोटल कितने प्रोटॉन्स रिक्वायर्ड होंगे? फोर प्रोटॉन्स रिक्वायर्ड होंगे जिसमें से थ्री प्रोटॉन्स जो है वो रोटेशनल कैटालिसिस में हेल्प करेंगे और एक प्रोटॉन जो है वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर लेके आएगा। सो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वन एटीपी मॉलिक्यूल फोर प्रोटॉन्स की मूवमेंट फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स टू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस फ्रॉम इंटरमेम्ब्रेन स्पेस टू माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जरूरी। अब आप लोगों को याद होगा कि मैंने आप लोगों के सामने एक चीज डिस्कस की थी कि आपका जो एक NADH मॉलिक्यूल है ये जब अपने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करता है ऑक्सीजन को, लाइक अगर हम प्रीवियस स्लाइड को देखें तो आप लोगों ने यहाँ पे देखा है कि ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NADH टू ऑक्सीजन आपके पास जो है वो NADH की वजह से 10 प्रोटॉन्स की पंपिंग होती है। जबकि अगर आप FADH2 की बात करो तो FADH2 से इलेक्ट्रॉन्स का जब ट्रांसफर होगा मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को तो इस ट्रांसफर रिएक्शन में आपके पास टोटल 6 प्रोटॉन्स की पंपिंग होगी। तो अगर हम आप कैलकुलेशंस करें तो मैंने आप लोगों से कहा है कि एक एटीपी को बनाने के लिए कितने प्रोटॉन्स रिक्वायर्ड होते हैं? 4 प्रोटॉन्स रिक्वायर्ड हैं कि ये 4 प्रोटॉन्स इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में मूव करें। सो NADH चूंकि 10 प्रोटॉन्स को पंप करवाता है इसका मतलब है जब ये 10 प्रोटॉन्स वापिस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आएंगे तो आपके पास 2.5 एटीपी की प्रोडक्शन होगी। यानी 4 and 4 8 यानी 2 ATPs मॉलिक्यूल और बाकी जो 2 प्रोटॉन्स हैं उनको हम हाफ ATPs के इक्विवेलेंट कंसीडर करेंगे। सो NADH की वजह से बनने वाले ATPs कितने होंगे? 2.5। और दूसरी तरफ अगर आप FADH2 की बात करो तो FADH2 ने जब प्रोटॉन पंपिंग करवाई थी जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया था ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए थे तो इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन में 6 प्रोटॉन्स को पंप किया था फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स टू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। अब जब रोटेशनल कैटालिसिस के दौरान ये 6 प्रोटॉन्स वापस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आएंगे तो 6 प्रोटॉन्स का मतलब है कि 4 प्रोटॉन्स एक एटीपी बनाएंगे और बाकी जो 2 प्रोटॉन्स हैं वो हाफ ऑफ एटीपी के इक्विवेलेंट कंसीडर होंगे। तो FADH2 की वजह से आपके जो एटीपी बनेंगे उन एटीपी का काउंट क्या होगा? 1.5 एटीपी। तो दैट्स द रीजन कि हम लोग कहते हैं कि आपके पास जो नंबर ऑफ एटीपी हैं जो एटीपी बन रहे हैं FADH2 की वजह से या NADH की वजह से ये ATPs क्या है? डिफरेंट नंबर है इनका। NADH हमेशा 2.5 ATPs बनाता है और FADH2 हमेशा 1.5 ATPs के इक्विवेलेंट कंसीडर किया जाता है। सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन इनटू द प्रोटॉन पंपिंग भी हमने देख ली। कीमी ऑस्मोटिक मॉडल ATP की जो प्रोडक्शन है
इस एटीपी की प्रोडक्शन को समटाइम्स कीमी ऑस्मोसिस भी कहा जाता है, बिकॉज ये एक ऐसा प्रोसेस है, ऑस्मोसिस का वर्ड रेफर करता है ट्रांसपोर्ट को, ठीक है, और कीमी का वर्ड यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है किसी केमिकल रिएक्शन को. तो एटीपी की प्रोडक्शन को समटाइम्स कीमी ऑस्मोटिक कपलिंग भी कहा जाता है, बिकॉज इसमें आपका एक ट्रांसपोर्ट रिएक्शन कपल्ड है विद द केमिकल रिएक्शन. यानी जब आपके प्रोटॉन मोटिव फोर्स की आप बात करते हो, तो प्रोटॉन मोटिव फोर्स एक ऐसी फोर्स है ना जो कि प्रोटॉन्स को इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से उठा के वापस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर लेके आ रही है. लाइक ये अगर आपके पास एटीपी सिंथेस है, तो आपके पास जो है वो प्रोटॉन मोटिव फोर्स की वजह से क्या होता है कि प्रोटॉन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से निकल के माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में वापस आना शुरू हो जाते हैं. तो यहाँ पे आपके पास एक ट्रांसपोर्ट प्रोसेस है. ट्रांसपोर्ट प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्रोटॉन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से निकल के माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आ रहे हैं. इस ट्रांसपोर्ट प्रोसेस से एनर्जी रिलीज हो रही है, और ट्रांसपोर्ट प्रोसेस से निकलने वाली एनर्जी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर एक केमिकल रिएक्शन को फैसिलिटेट कर रही है, और वो केमिकल रिएक्शन क्या है, प्रोडक्शन ऑफ एटीपी. तो आप कह सकते हो कि आपका जो एटीपी सिंथेस है, एटीपी सिंथेस के अंदर कीमी ऑस्मोटिक कपलिंग प्रेजेंट है, विच मीन्स देयर इज अ कपलिंग बिटवीन अ ट्रांसपोर्ट प्रोसेस पंपिंग अप प्रोटॉन फ्रॉम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस टू माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स एंड अ केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन क्या है यहाँ पे, कंडेंसेशन ऑफ एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इनटू एटीपी. सो दैट्स व्हाई एटीपी सिंथेस से बनने वाला जो एटीपी है, उसको हम समटाइम कहते हैं कि ये कीमी ऑस्मोटिक कपलिंग की वजह से बना, बिकॉज ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपका एक केमिकल रिएक्शन एक ट्रांसपोर्ट प्रोसेस के साथ क्या हुआ हुआ है, कपल हुआ हुआ है. जी बच्चों, यहाँ पे आप इस चीज को विटनेस कर सकते हो इस एनिमेशन से कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, आपके पास जो रिड्यूस इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं NADH एंड FADH2, ये डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस को क्लोज करते हैं. NADH जो है वो कॉम्प्लेक्स 1 के पास आता है, और कॉम्प्लेक्स 1 जैसे ही इसका इलेक्ट्रॉन लेगा, आप यहाँ पे देखते हैं कि ये प्रोटॉन्स को भी पंप कर रहा है, ठीक है. FADH2 से जब इलेक्ट्रॉन्स कैरियर के पास जाएंगे, तो किसी किस्म की प्रोटॉन पंपिंग नहीं हो रही. जबकि आप कॉम्प्लेक्स 3 में अगेन देखते हो कि जब ये ग्रीन कलर का यूबी फिनोल इसको जाके बाइंड करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, तो दोबारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन में ये प्रोटॉन्स को मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में शिफ्ट कर देता है. सिमिलरली कॉम्प्लेक्स 4, और फाइनली आपके पास जो एटीपी सिंथेस है, जब यहाँ से प्रोटॉन्स वापस आएंगे, तो प्रोटॉन्स की बैकवर्ड मूवमेंट की वजह से आपका ये जो एटीपी सिंथेस है, ये रोटेशनल कैटालिसिस के थ्रू एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को किसमें कन्वर्ट करता जाएगा, एटीपी के अंदर कन्वर्ट करता जाएगा. सो दिस इज द कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, कि किस तरह से आपके ग्लाइकोलाइसिस, पीसीए साइकिल और मल्टीपल डिफरेंट केमिकल रिएक्शन के अंदर जो NADH और FADH2 बनते हैं, वो किस तरह से एटीपी प्रोडक्शन कॉज करवाते हैं. तो एक और पॉइंट जो आपने यहाँ पे क्लियर करना है, दिस पॉइंट इज अबाउट पीओ रेशियो, जिसको मैं कुछ हद तक एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ. पीओ रेशियो एक्चुअली एक ऐसी रेशियो है जिसमें हम देखते हैं कि हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स विल बी प्रोड्यूस्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ रिड्यूस्ड इंटरमीडिएट टू ऑक्सीजन. यानी अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया है कि जब NADH अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, NADH में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जब ये NADH अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा ऑक्सीजन को, तो इस ट्रांसफर रिएक्शन के दौरान ये 10 प्रोटॉन्स को पंप करता है फ्रॉम मैट्रिक्स टू इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. और जब ये 10 प्रोटॉन्स एटीपी सिंथेस की मदद से वापस आएंगे मैट्रिक्स में, तो ये 2.5 एटीपी प्रोड्यूस करेंगे. सो दिस इज द पीओ रेशियो ऑफ NADH, ठीक है. पीओ रेशियो किसे कहते हैं, नंबर ऑफ एटीपीज विच विल बी प्रोड्यूस व्हेन अ रिड्यूस्ड टिश्यू विल ट्रांसफर इट्स इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन. सो NADH की जो पीओ रेशियो है वो 2.5 है, बिकॉज जब ये ऑक्सीजन को अपने 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करती है, तो इस केमिकल रिएक्शन के दौरान ये 2.5 एटीपीज को क्या करती है, प्रोड्यूस करती है. दूसरी तरफ आपके पास जो है वो FADH2 की अगर पीओ रेशियो की बात करते हो, तो FADH2 के पास भी टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करती है ऑक्सीजन को, तो ये 6 प्रोटॉन्स को इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में ट्रांसफर करती है. और जब ये 6 प्रोटॉन्स वापस एटीपी सिंथेस की मदद से मैट्रिक्स में आएंगे, तो इस केस में आपके पास कितने एटीपीज बनेंगे, 1.5 एटीपी. तो आप कह सकते हैं कि आपके पास जो पीओ रेशियो है FADH2 की, दिस पीओ रेशियो इज 1.5 एटीपी.
ठीक है, तो पी ओ रेशियो किसे कहते हैं एंड वाई द पी ओ रेशियो ऑफ एन ए डी एच एंड एफ ए डी एच टू इज डिफरेंट, ये आप लोगों को यहाँ से इस चीज का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, जब भी हमें पूछूंगी कि इनकी पी ओ रेशियो में डिफरेंस क्यों है, तो आपने बता देना है कि दिस डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंट नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स विच दीज कॉम्प्लेक्सेस विल पंप ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। और क्यों ये डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को पंप करती है, बिकॉज एफ ए डी एच टू कॉम्प्लेक्स वन को बायपास करता है, ये कॉम्प्लेक्स वन पे इसके थ्रू एंटर नहीं होता, कॉम्प्लेक्स टू के थ्रू जो है वो इसके अंदर एंटर होता है इलेक्ट्रॉन। सो एटीपी कैलकुलेशन हमने देख ली, नेक्स्ट पॉइंट इज कपलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो एंड एटीपी सिंथेसिस। अभी बच्चों आप लोगों को मैंने एक पॉइंट जो है वो एक्सप्लेन किया है कि आपके पास एटीपी की प्रोडक्शन है, इस एटीपी की प्रोडक्शन के लिए आपके पास जो है वो दो कंपोनेंट का होना जरूरी है। Like, जब भी किसी स्पीशीज से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को अगर हम ओवरऑल देखते हैं, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आपने ये चीज ऑब्जर्व की है कि आपके पास जो है वो रिड्यूस्ड इलेक्ट्रॉन कैरियर से लाइक एनएडीएच की अगर आप बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं और इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन के दौरान आपके प्रोटॉन पंप होते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल, कोई ऐसा इनहिबिटर अवेलेबल है जो कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को ब्लॉक करता है, फॉर एग्जाम्पल एक एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक एक्स, और वो एनएडीएच से कॉम्प्लेक्स वन में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन है उसको ब्लॉक करती है। तो अगर एनएडीएच से इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स वन को ट्रांसफर नहीं होंगे, तो इसका मतलब है कि कॉम्प्लेक्स वन से आगे यूबिक्विनोन को भी ट्रांसफर नहीं होंगे, कॉम्प्लेक्स थ्री कॉम्प्लेक्स फोर को भी ट्रांसफर नहीं होंगे। तो एंड इफेक्ट क्या होगा कि अगर आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं करवा सकते, तो इसका मतलब है कि प्रोटॉन पंपिंग भी रुक जाएगी, प्रोटॉन पंपिंग भी ब्लॉक हो जाएगी। और अगर प्रोटॉन्स की पंपिंग नहीं होगी तो क्या एटीपी की प्रोडक्शन होगी? नहीं होगी। सो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो है वो देयर इज कपलिंग, कपलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एंड एटीपी प्रोडक्शन। यानी आपके पास अगर किसी केमिकल रिएक्शन में आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को रोक देते हो, तो इसका मतलब है कि एटीपी प्रोडक्शन भी रुक जाएगी। ये दोनों क्या है? कपल्ड है, लिंक्ड है। दूसरी तरफ हम एक और प्रोसेस देखते हैं, हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो है वो एक ऐसा रिएक्शन है जिस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर तो हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है एनएडीएच से इलेक्ट्रॉन जो है वो कॉम्प्लेक्स वन, देन यूबिक्विनोन कॉम्प्लेक्स थ्री कॉम्प्लेक्स फोर की तरफ जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर उसी तरह से होता जा रहा है, लेकिन प्रोटॉन पंपिंग का प्रोसेस रुक गया। यहाँ पे कोई ऐसा इनहिबिटर ऐड है जिस इनहिबिटर की प्रेजेंस में आपका जो कॉम्प्लेक्स वन कॉम्प्लेक्स थ्री और कॉम्प्लेक्स फोर जो है ये प्रोटॉन्स को पंप नहीं कर सकते, प्रोटॉन्स जो है वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर नहीं आएंगे। तो आपके पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर तो हो रहा है, लेकिन क्या एटीपी की प्रोडक्शन होगी? नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि आपकी एटीपी प्रोडक्शन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के ऊपर भी डिपेंड करती है और प्रोटॉन मूवमेंट के ऊपर भी डिपेंड करती है, प्रोटॉन पंपिंग के ऊपर भी डिपेंड करती है। अगर आप इन दोनों में से किसी एक प्रोसेस को रोक देते हो, तो एटीपी की प्रोडक्शन भी रुक जाएगी। तो देयर इज अ कपलिंग बिटवीन एटीपी प्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एंड प्रोटॉन पंपिंग। अब यहाँ पे आप हम लोग जो है वो इन दोनों रिएक्शन को या इन दोनों कपलिंग को जो है वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। लाइक आपके पास जो है वो एक तरफ ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि कितनी ऑक्सीजन कंज्यूम हुई है। ऑक्सीजन ऑब्वियसली तभी कंज्यूम होगी जब आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। लाइक ऑक्सीजन ने तभी कंज्यूम होना ना जब आपके कॉम्प्लेक्स वन कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स थ्री से फाइनली इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स फोर की तरफ आएंगे और कॉम्प्लेक्स फोर उन इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन को ट्रांसफर करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर यहाँ पे कहीं पे रुक गया, तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन कंज्यूम नहीं होगी, ऑक्सीजन वाटर में कन्वर्ट नहीं होगी। तो ऑक्सीजन कंजप्शन का मतलब है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इज इक्वल टू ऑक्सीजन कंजप्शन। तो इस चीज को माइंड में रखते हुए हम इस डायग्राम को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि आपके पास सपोज दिस इज द पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन जिसमें आपने प्रीवियसली सिर्फ एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ऐड किया था। अगर आप खाली एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ऐड करते हो, तो ना ही ऑक्सीजन कंज्यूम होगी, ऑक्सीजन कंजप्शन को ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है और एटीपी सिंथेसिस को रेड कलर से।
in the absence of any source of electron, because ADP और inorganic phosphate तो तब तक नहीं react कर सकते जब तक आपके electron transfer ना हो और proton pumping ना हो. तो अगर electron का कोई source नहीं होगा तो इसका मतलब है कि ना तो ATP production होगी और ना ही oxygen की consumption होगी. जब आप इस ADP और inorganic phosphate के culture के अंदर 68 को add कर देते हैं तो इसका मतलब है 68 के अंदर क्योंकि एक reduced form में FADH2 present होता है, ठीक है, ये 68 रिड्यूस होकर फ्यूमारेट में कन्वर्ट हो जाएगी और FADH2 प्रोड्यूस कर देगी, ठीक है. ये FADH2 अपने इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 2 की मदद से क्यूनॉन को ट्रांसफर करेगा, क्यूनॉन से कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 3 से कॉम्प्लेक्स 4 और फाइनली ऑक्सीजन को ट्रांसफर करेगा. इसका मतलब है कि आपके पास जब आपने 68 ऐड किया तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन शुरू हो गया और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन की वजह से ऑक्सीजन की कंजप्शन भी बढ़ गई. और जितनी ऑक्सीजन कंज्यूम होती जाएगी इसका मतलब है कि आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन की वजह से प्रोटॉन पंपिंग भी हुई है तो फाइनली जो एटीपी सिंथेस है वो एटीपी की प्रोडक्शन भी कर देगा. सो इन द प्रेजेंस ऑफ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आपके पास एटीपी की प्रोडक्शन भी होगी और ऑक्सीजन की कंजप्शन भी होगी. लेकिन अगर आप कोई ऐसा इनहिबिटर ऐड कर देते हो जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन को रोकता है, जो कि ऑक्सीजन की कंजप्शन को रोक देता है, सपोज साइनाइड आपने ऐड किया वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को ब्लॉक कर देता है, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन तक नहीं आने देता, इसका मतलब है कि आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन भी रुक जाएगा और प्रोटॉन पंपिंग भी रुक जाएगी, ठीक है, ये दोनों प्रोसेसेस रुक जाएंगे जिसकी वजह से एटीपी सिंथेसिस भी रुक जाएगी. तो हम कह सकते हैं कि अगर आप कोई ऐसा मॉलिक्यूल ऐड करते हो जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को ब्लॉक करता है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर अकेला नहीं रुकेगा बल्कि उसके साथ साथ एटीपी की सिंथेसिस भी रुक जाएगी. इट इज एन इंडिकेशन के ये दोनों रिएक्शन क्या है, कपल्ड है. दूसरी तरफ आपने दोबारा से रिएक्शन को अंडरस्टैंड किया और आपने ये देखा कि जब आप अकेला 68 ऐड करते हो, 68 के पास इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा यूबी किनोन को, यूबी किनोन उन इलेक्ट्रॉन को लेके कॉम्प्लेक्स 3 के पास जाएगा, कॉम्प्लेक्स 3 के बाद साइटोक्रोम, साइटोक्रोम के बाद कॉम्प्लेक्स 4, कॉम्प्लेक्स 4 से होते हुए ऑक्सीजन के पास जाएंगे तो कुछ हद तक ऑक्सीजन कंज्यूम होना शुरू हो जाएगी. लेकिन क्योंकि आपके पास यहाँ पे एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट नहीं है, प्रोटॉन की पंपिंग भी होगी स्पोर्ट, लेकिन जब एटीपी सिंथेस यहाँ से एनर्जी रिलीज करेगा तो क्योंकि आपके पास एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट नहीं है तो एटीपी की प्रोडक्शन नहीं होगी. इसका मतलब है कि सुक्सिनेट अकेला एटीपी प्रोडक्शन नहीं करवा सकता, सुक्सिनेट के साथ साथ आपको एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी ऐड करने हैं, ठीक है. सो इन द प्रेजेंस ऑफ सुक्सिनेट एंड एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आपकी एटीपी की प्रोडक्शन होगी और रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी होगा. अब अगर आपने यहाँ पे कोई इनहिबिटर ऐड किया, दिस इनहिबिटर इज एन इनहिबिटर ऑफ एटीपी सिंथेस, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक नहीं करता बल्कि एटीपी सिंथेस को ब्लॉक करता है. तो अगर आपका कोई इनहिबिटर ऐसा है जो कि एटीपी सिंथेस को ब्लॉक कर रहा है, यानी यहाँ से प्रोटॉन को पंप होकर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में वापस नहीं आने देता, तो इसकी वजह से एटीपी प्रोडक्शन तो रुकेगी, ऑक्सीजन की कंजप्शन भी रुकेगी. लेकिन ऑक्सीजन की कंजप्शन को आप देख रहे हो कि ये फौरी तौर पे नहीं रुकती बल्कि ये थोड़े टाइम बाद रुकती है. तो इसकी वजह क्या है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपके पास जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जब होता है, मैं इस वक्त हो गया, स्टार्टिंग में जब आपके पास इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है तो इस इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से प्रोटॉन पंप होना शुरू हो जाते हैं. सपोज दो प्रोटॉन्स पंप हुए, 3, 4 और इसी तरह से प्रोटॉन की पंपिंग होती गई. लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब प्रोटॉन यहाँ पे जमा होना शुरू हो गए हैं लेकिन वो वापस मैट्रिक्स में नहीं आ रहे. इसका मतलब है कि प्रोटॉन की कंसंट्रेशन यहाँ पे जरूरत से ज्यादा बढ़ गई है और अब आपके ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं ये मजीद प्रोटॉन्स को इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में भेजना छोड़ देंगे, ठीक है. तो हमेशा जब आप एटीपी सिंथेस को ब्लॉक करते हो तो आप ये चीज नोटिस करते हो कि कुछ टाइम तक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता रहता है, कुछ टाइम के बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ब्लॉक होता है. और कब ब्लॉक होता है, जब आपके इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन का ग्रेडियंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और मजीद प्रोटॉन्स को वहां पे भेजना आपके कॉम्प्लेक्सेस के लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है. तो यहाँ से आपने सिर्फ एक चीज को माइंड में रखना है कि जब आप किसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन को ब्लॉक करते हो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के स्टेप को ब्लॉक करते हो, तो साइमल्टेनियसली फौरी तौर पर आपका जो है एटीपी प्रोडक्शन भी रुक जाती है. लेकिन जब आप एटीपी सिंथेस को ब्लॉक करते हो, ठीक है, तो इस केस में एटीपी प्रोडक्शन तो फौरी तौर पे रुक जाएगी
लेकिन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कुछ टाइम के बाद रुकेगा, और वो क्यों कुछ टाइम के बाद रुकता है, बिकॉज कुछ टाइम के लिए इनिशियली प्रोटॉन्स की पंपिंग होती है और उसके बाद आपके प्रोटॉन्स की यहाँ पे जी मैम, यानी आप कह सकते हो कि आपके पास इन दोनों प्रोसेसेस की कपलिंग है. द लास्ट पॉइंट इज मूवमेंट ऑफ रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट फ्रॉम साइटोसोल टू माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. ओके बच्चों, एक चीज आप लोगों को यहाँ पे रिवाइज करनी है और वो ये है कि आप लोगों ने ग्लाइकोलाइसिस, आप लोगों ने ये चीज देखी थी कि जब हमने स्टार्ट किया था ग्लाइकोलाइसिस का, तो हमने ग्लूकोज को सबसे पहले साइटोसोल में ऑक्सीडाइज होते देखा, जिसमें डिफरेंट एंजाइमेटिक रिएक्शन की मदद से आपका ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट होता था, पाइरोवेट में कन्वर्ट होता था, टू पाइरोवेट मॉलिक्यूल्स के अंदर. इस प्रोसेस के अंदर हमने देखा था कि आपके पास टू NADH प्रोड्यूस होते थे और आपके पास साथ में टू मॉलिक्यूल भी कंज्यूम होते थे. चलो ATP तो सेल ने किसी एनर्जी कंटेनिंग प्रोसेस में यूज कर लिए, लेकिन NADH जो है इनका एंड इफेक्ट क्या है कि इन्होंने साइटोसोल से उठ के माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जाना है. सपोज ये आपके पास आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, दिस इज इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और यहाँ पे आपके पास इंटरनल कंपार्टमेंट है, दिस इज माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. नाउ क्वेश्चन इज कि जब तक ये माइटोकॉन्ड्रियल आपके NADH साइटोसोल से उठ के माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में नहीं जाएंगे, या इनर मेम्ब्रेन स्पेस में प्रेजेंट जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, 3 और 4, इनको जाके अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं करेंगे, तब तक ये ATP प्रोडक्शन में यूज नहीं हो सकते. सो लेट्स सी कि साइटोसोल में डिफरेंट केमिकल रिएक्शन के दौरान बनने वाले रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट या NADH किस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाते हैं. ठीक है, तो आप लोगों को एक चीज मैंने शायद पहले बताई होगी, अगर नहीं भी बताई तो इसको माइंड में रखिएगा कि NADH डायरेक्टली साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसफर नहीं कर सकते, बिकॉज इनके कोई ट्रांसपोर्टर्स प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे. ठीक है, अगर यहाँ पे ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस तक आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो है ये हाईली परमिएबल है, यहाँ पे मॉलिक्यूल आ जाते हैं, लेकिन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो है ये इनपरमिएबल है, ये इस NADH वो तब तक यहाँ से पास नहीं करने देगी जब तक इसके ट्रांसपोर्टर्स प्रेजेंट नहीं होंगे. तो ट्रांसपोर्टर्स तो हमारे पास नहीं है, तो ये NADH जो कि साइटोसोल में बनते हैं, ये किस तरह से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जाएंगे. लेट्स सी कि ये किस तरह से मूव करते हैं टुवर्ड्स माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. तो यहाँ पे बच्चों आप देखिएगा, अभी मैं बार बार इन्हीं NADH को रेफर करूंगी जो कि ग्लाइकोलाइसिस में बने थे, ताकि आप लोगों का ये जो पॉइंट है ये क्लियर हो जाए. तो ये आपके पास सपोज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है और इसके बाहर आपके पास यहाँ पे आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, और आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बाहर आपके पास क्या चीज है, साइटोसोल है, जहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस के दौरान NADH बने थे. ये NADH यहाँ से साइटोसोल से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में मूव करेंगे और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से आगे नहीं जा सकते, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में वही चीज आ सकती है जो कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस करे, और आपके पास NADH के ट्रांसपोर्टर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में अवेलेबल नहीं. तो ये NADH एक शटल सिस्टम के थ्रू माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आती है, और ये शटल सिस्टम कुछ हद तक आप लोग ग्लूकोनियोजेनेसिस में पढ़ चुके हैं. ठीक है, तो मैं दोबारा से इसको रिवाइज करवाना चाह रही हूँ कि आपके पास इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में यू हैव अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सैलोएसिटेट. ये ऑक्सैलोएसिटेट रिड्यूस होगा, यानी NADH से हाइड्राइड आयन को एक्सेप्ट करके ये कन्वर्ट हो जाएगा मैलेट. आप देख सकते हैं कि आपके पास ये वाला जो कार्बन आइटम है, इस कार्बन आइटम की रिडक्शन हो जाएगी जब ये NADH से रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट को एक्सेप्ट करेगा, और इस केमिकल रिएक्शन को करवाने वाला आइसोजाइम हमारे पास अवेलेबल है, विच इज मैलेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम. तो जैसे ही NADH साइटोसोल से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में आए, मैलेट डीहाइड्रोजिनेज NADH को यूज करते हुए ऑक्सैलोएसिटेट को किसमें कन्वर्ट कर देगा, मैलेट में कन्वर्ट कर देगा. And because we have the transporters of malate in intermembrane, in inner membrane space, तो आपका ये malate बहुत easily जो है ये intermembrane space से mitochondrial matrix में move कर सकते हैं. अब आपको पता है कि mitochondrial matrix के अंदर आपके पास जो एक enzyme available है, which is malate dehydrogenase. Normally, TCA cycle में ये oxaloacetate को malate में convert करता है. ठीक है? तो यहाँ पे आपके पास ये मैलेट को ऑक्सैलोएसिटेट के अंदर कन्वर्ट करता है, तो वही रिएक्शन जो TCA साइकिल में हो रहा होता है, यही रिएक्शन यहाँ पे रिपीट होगा. ठीक है, आपके पास एंजाइम मैलेट डीहाइड्रोजिनेज जो है वो इस मैलेट को यूज करेगा,
मैलेट में से ये रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स निकाल देगा, यानी ये जो दो हाइड्रोजन एटम्स हैं इनको निकाल के NAD+ जो के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीडाइज फॉर्म में प्रेजेंट था उसको रिड्यूस कर देगा, NADH में कन्वर्ट कर देगा, इटसेल्फ ऑक्सैलोएसिटेट को क्या कर देगा, रीजनरेट कर देगा। तो एंड इफेक्ट आपके पास क्या हुआ कि मैलेट की फॉर्म में आपके जो NADH है जो कि प्रीवियसली इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में प्रेजेंट थे वो मूव करके कहां पे आ गए, माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में आ गए। अब ये ऑक्सैलोएसिटेट, चूंकि ये ऑक्सैलोएसिटेट यहां से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से है तो इसे वापस भी मूव करना है। ये ऑक्सैलोएसिटेट जो है ये फर्दर बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम्स एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज ग्लूटामेट के साथ जो है वो रिएक्शन करता है। ठीक है, अमाइनो ट्रांसफरेज ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि अमाइनो ग्रुप का ट्रांसफर करवाते हैं फ्रॉम अ डोनर टू एक्सेप्टर। तो यहाँ पे आपके पास एक अमाइनो एसिड ग्लूटामेट है, ये ग्लूटामेट अमाइनो ग्रुप को ट्रांसफर करेगा और ये अमाइनो ग्रुप चला जाएगा ऑक्सैलोएसिटेट। ठीक है, तो आपके पास ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है ये यहाँ से उसके इधर आ जाएगा ग्लूटामेट में। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि आफ्टर दिस ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन, इसको हम कहते हैं ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन जिसमें अमाइनो ग्रुप का ट्रांसफर होता है फ्रॉम अ डोनर टू एक्सेप्टर। ये ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन ऑक्सैलोएसिटेट और ग्लूटामेट के दरमियान हो रहा है। ठीक है, तो अमाइनो ग्रुप ग्लूटामेट में इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। तो ग्लूटामेट में आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 फोर्थ कार्बन एटम के ऊपर पहले कीटो ग्रुप था और अब यहाँ पे अमाइनो ग्रुप है। तो अमाइनो ग्रुप की इनकॉर्पोरेशन के बाद ये ऑक्सैलोएसिटेट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एस्पार्टेट में, और जो ग्लूटामेट था जिसमें पहले अमाइनो ग्रुप था इसमें अब आप देख सकते हो कि ये कीटो ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों आपके जो ग्रुप थे, दोनों आपके पास जो सब्सट्रेट थी ग्लूटामेट और ऑक्सैलोएसिटेट, इन्होंने एक एक फंक्शनल ग्रुप का ट्रांसफर किया बिटवीन कार्बन नंबर 2। यहाँ पे कार्बन नंबर 2 पे कीटो ग्रुप आके अटैच हो गया, यहाँ पे कार्बन नंबर 2 पे अमाइनो ग्रुप ट्रांसफर हो गया। तो आफ्टर दीज फंक्शनल ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन आपके पास एक तरफ अल्फा कीटो ग्लूटामेट बनी है और एक तरफ एस्पार्टेट बनी है। अल्फा कीटो ग्लूटामेट का भी ट्रांसपोर्टर चूंकि अवेलेबल है, ये इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में जाएगा और यहाँ पे दोबारा एक ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन के थ्रू ऑक्सैलोएसिटेट में कन्वर्ट हो जाएगा। बट दिस टाइम आपका ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन अल्फा कीटो ग्लूटामेट और एस्पार्टेट के दरमियान। ठीक है, दोबारा आपका अमाइनो ग्रुप यहाँ से उठेगा, अल्फा कीटो ग्लूटामेट के ऊपर अटैच हो जाएगा। तो अल्फा कीटो ग्लूटामेट यहाँ पे अमाइनो ग्रुप की इनकॉर्पोरेशन के बाद ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो जाएगी और जो एस्पार्टेट है इससे जब अमाइनो ग्रुप रिलीज हो जाएगा तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, ऑक्सैलोएसिटेट। तो ये वाला जो केमिकल रिएक्शन है आप इन दोनों कंपार्टमेंट के अंदर इनको ऑपोजिट डायरेक्शन में देखते हो। यहाँ पे आपका ग्लूटामेट और ऑक्सैलोएसिटेट की कंडेंसेशन के बाद एस्पार्टेट और अल्फा कीटो ग्लूटामेट बने, जबकि यहाँ पे एस्पार्टेट और अल्फा कीटो ग्लूटामेट की कंडेंसेशन के बाद ग्लूटामेट और ऑक्सैलोएसिटेट रीजनरेट हो जाए। तो दिस इज द शिटल सिस्टम जिसमें ये जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, डिफरेंट आपकी जो स्पीशीज हैं, इनका एंड इफेक्ट क्या है कि ये NADH जो कि साइटोसोल में पड़ा हुआ था उस NADH को उठा के कहाँ पे लेके आती है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। इसे मैलेट एस्पार्टेट शटल इसलिए कहते हैं बिकॉज आपके जो NADH हैं वो मैलेट की फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जाते हैं और एस्पार्टेट की फॉर्म में वहां से रिलीज होते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास फॉर्म है जो कि रिलीज कर रही है और ये आपके पास फॉर्म है जिसने यहाँ पे एंट्रेंस ली थी। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस में जो बनने वाला NADH है ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आने के लिए एक तो हमने प्रीवियसली अभी देखा है कि मैलेट एस्पार्टेट शटल को यूज करता है। ठीक है, जिसमें आपके पास ये रूट है जिसके थ्रू ये NADH माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आएगा। दूसरी हमारे पास ग्लिसरॉल की फॉस्फेट शटल है जिसमें NADH जो कि ग्लाइकोलाइसिस के दौरान बनेगा इस NADH को कंज्यूम करता है एक एंजाइम एंड द नेम ऑफ दिस एंजाइम इज ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट डीहाइड्रोजनेज। प्लीज ये चीज याद रखिएगा कि ये ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डीहाइड्रोजनेज नहीं है। ठीक है, जो कि ग्लाइकोलाइसिस में यूज होता है, दिस इज अनदर एंजाइम ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट डीहाइड्रोजनेज जो कि क्या करती है, डाइहाइड्रोक्सी एसिटोन फॉस्फेट को कंज्यूम करता है। दिस इज डाइहाइड्रोक्सी एसिटोन फॉस्फेट और उसमें ये जो सेंट्रल कार्बन एटम है इस कार्बन एटम को रिड्यूस करवा देता है। ठीक है, और रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट कहाँ से आते हैं, यहाँ से NADH से। तो ये जो साइटोसोलिक ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट डीहाइड्रोजनेज है ये NADH को ऑक्सीडाइज करके NAD+ में कन्वर्ट करता है और दूसरी तरफ आपके पास जो डाइहाइड्रोक्सी एसिटोन फॉस्फेट का मॉलिक्यूल है उसको रिड्यूस करके ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये वाली जो कार्बन आइटम है इसकी अब रिडक्शन हो गई है बिकॉज इसमें वो दो हाइड्रोजन आइटम जो कि प्रीवियसली इधर NADH के पास थे वो कार्बन नंबर 2 के ऊपर आके अटैच हो गया। सो नाउ दिस इज ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट।
जैसे ये ग्लिसरॉल थ्री फॉस्फेट बनेगी, वी हैव एन अदर आइसोजाइम ऑफ दिस एंजाइम विच इज माइटोकॉन्ड्रियल ग्लिसरॉल थ्री फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। यानी साइटोसोल में आपके पास ये रिएक्शन हुआ, साइटोसोल के बाद आपके पास ग्लिसरॉल थ्री फॉस्फेट बना। ये ग्लिसरॉल थ्री फॉस्फेट साइटोसोल से, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कहती हूँ कि साइटोसोल में आपके पास ग्लिसरॉल थ्री फॉस्फेट बना, ये साइटोसोल से होता हुआ मूव करेगा। ये आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है, ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है और ये इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में आ जाएगा और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में आपके पास एक और एंजाइम प्रेजेंट है विच इज माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम। दिस एंजाइम इज ग्लिसरॉल थ्री फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज जो कि माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन के साथ अटैच है, जो कि मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया। दिस इज आउटर मेम्ब्रेन एंड दिस इज इनर मेम्ब्रेन। तो ये एंजाइम क्या करेगा, ये एंजाइम क्या करेगा, एफ ए डी प्लस से ये रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट ट्रांसफर करेगा, यानी ग्लिसरॉल थ्री फॉस्फेट को ऑक्सीडाइज करेगा, इसमें से दो हाइड्रोजन निकालेगा और एफ ए डी प्लस को रिड्यूस करके एफ ए डी एच टू में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो अगेन आपके पास जो है इस एंजाइम की मदद से केमिकल रिएक्शन होगा, लेकिन दिस टाइम केमिकल रिएक्शन की डायरेक्शन रिवर्स होगी। साइटोसोलिक एंजाइम ने डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट को ग्लिसरॉल थ्री फॉस्फेट में कन्वर्ट किया था और इसको कन्वर्ट कराने के लिए उसने रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट NADH से दिए थे, जबकि आपका जो माइटोकॉन्ड्रियल आइसोजाइम है ये ग्लिसरॉल थ्री फॉस्फेट को डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट कर रहा है। इस प्रोसेस में जो हाइड्रोजन रिलीज हो रहे हैं, हम हाइड्रोजन को एफ ए डी में ट्रांसफर करके एफ ए डी एच टू में शिफ्ट कर देते हैं। बिकॉज आप लोगों को याद है कि मैंने एक चीज कही थी कि आपकी जितनी भी फ्लेवोप्रोटीन्स हैं वो फ्लेवोप्रोटीन्स के साथ एफ ए डी कोवलेंट ही अटैच होता है, और अगर इन फ्लेवोप्रोटीन्स ने इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को ट्रांसफर करने हैं तो ये प्रोटीन्स इटसेल्फ जो है वो मूव करेंगी और वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेंगी। तो इसका मतलब है कि इस केस में आपका ये जो एंजाइम है ये डायरेक्टली यूबीक्विनोन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे आपका कॉम्प्लेक्स टू मैंने कहा था कि वो पीसीए साइकिल का एक एंजाइम है, सुक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, वो जिस तरह से यूबीक्विनोन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा था उसी तरह से आपका ये जो माइटोकॉन्ड्रियल ग्लिसरॉल थ्री फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज है ये भी डायरेक्टली यूबीक्विनोन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, उसे रिड्यूस करेगा और आपके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन फाइनली कॉम्प्लेक्स थ्री की तरफ से आएगा, ठीक है। अब एक चीज जो आपने यहाँ पे नोटिस की होगी कि ग्लाइकोलिसिस में आपके पास NADH बने थे, अगर आप ये शटल सिस्टम यूज करते हो तो आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में NADH नहीं आते बल्कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन FADH2 से आते हैं, जबकि मैलेट एस्पार्टेट शटल में आपने देखा था कि आपके NADH ही साइटोसोल से उसके माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आएंगे और ये NADH कॉम्प्लेक्स वन को आके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे। तो अगर आपने मैलेट एस्पार्टेट शटल यूज की तो साइटोसोल में बनने वाले NADH माइटोकॉन्ड्रिया में आके टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन में 10 प्रोटॉन्स की पंपिंग करेंगे और इसका मतलब है ये 2.5 ATPs प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन अगर आपकी शटल सिस्टम चेंज हो गई और आपके NADH ने माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आने के लिए कोई दूसरी शटल अडॉप्ट की, तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि इस वजह से चूंकि FADH2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है तो आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन पंपिंग भी कम हो जाएगी 6 प्रोटॉन और जो ATPs बनने हैं वो भी 2.5 की बजाय 1.5 ATPs बनेंगे। तो दिस इज द रीजन कि हम ग्लाइकोलिसिस में समटाइम्स कहते हैं कि हमारे पास 32 ATPs बनेंगे और समटाइम्स हम कहते हैं 30 ATPs बनेंगे। ये जो 2 ATPs का डिफरेंस है ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि आपके साइटोसोल से आने वाले NADH मैलेट एस्पार्टेट शटल के थ्रू आएंगे या फिर ये ग्लिसरॉल थ्री फॉस्फेट शटल सिस्टम के थ्रू आएंगे। अगर तो ग्लिसरॉल थ्री फॉस्फेट शटल सिस्टम के थ्रू आए तो 30 ATPs बनेंगे और अगर मैलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम के थ्रू आए तो कितने ATPs बनेंगे, 32 ATPs।